भिवंडी में दूसरे क्राइम्स के साथ साथ अब धोखाधड़ी के मामले भी काफी ज्यादा देखे जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कामतघर इलाके से सामने आया है, जहां एक शख्स को उसके पड़ोसी ने पावर लूम कारखाना खोलने के लिए ऑफर दी और व्यक्ति से 25 लाख रुपए ये कहकर ले लिए कि उन पैसों से वो उन्हें कारखाना सेटअप करके देगा। लेकिन ना ही कारखाना मिला और ना ही वो शख्स दोबारा नजर आया। जानकारी के मुताबिक पैसे लेकर आरोपी फरार हो गया, जिसके बाद व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में दफा 420 के तहत मामला दर्ज करवाया। भिवंडी में तेज रफ्तार ट्रक ने 80 साल बुजुर्ग शख्स को टक्कर मार दी, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई। यह हादसा कल्याण रोड स्थित अशोक नगर गेट के सामने हुआ, जब 80 साल बुजुर्ग को एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक समेत फरार हो गया और बुजुर्ग शख्स के बेटे ने अज्ञात ट्रक चालक पर मामला दर्ज करवाया। भिवंडी के भोईर कंपाउंड इलाके में एक ट्रक का टायर टूटी हुई गटर में फंस गया और बताया जा रहा है कि पिछले 10 महीनों से इस रोड की हालत तो खस्ता है ही, साथ ही गटर भी टूटी हुई है, जिससे आम तौर पर भी यहां हादसे होते रहते हैं और कई बार इसे रिपेयर भी किया जा चुका है, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा और कॉरपोरेशन की तरफ से तो कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। भिवंडी के टेमघर इलाके के रहने वाले श्रेयास शंकर भोईर ने UPSC और NDA एग्जाम क्लियर कर लिया है और अब ये जल्द ही भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के तौर पर शामिल होने वाले हैं। श्रेयास शंकर की फैमिली के साथ साथ ये भिवंडी और भिवंडीकर्स के लिए भी काफ़ी खुशी की बात है। भिवंडी में बाइक चोरों का ग्रुप काफ़ी एक्टिव हो गया है और दिन ब दिन गाड़ियों के गायब होने की घटनाएँ बढ़ने लगी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 6 महीनों के अंदर इन चोरों ने करीब 200 बाइक्स की चोरियां की हैं और ये आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर भिवंडी कॉरपोरेशन कमिश्नर विजय कुमार महासाल का तबादला कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक 1 अगस्त से विजय कुमार महासाल नवी मुंबई महापालिका के आयुक्त पद पर होंगे और भिवंडी महानगर पालिका के आयुक्त के तौर पर कमिश्नर अजय वैद्य को नियुक्त किया गया है। थाने क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तौर पर हथियार बेचने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कोई शख्स बड़ी तादाद में हथियार की बिक्री करने आने वाला है, जिसकी बिना पर कार्रवाई की गई और एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से 20 पिस्टल 280 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। भिवंडी में एक बार फिर मुख्तलिफ इलाकों से लाखों रुपए की चोरी को अंजाम दिया गया है। यहाँ एक घर का दरवाजा तोड़कर चोर नकदी रकम और जेवरात चुरा ले गए। वहीं दूसरी घटनाओं में 3 वाहनों की चोरियां अंजाम दी गई हैं। लगातार इन चोरी की घटनाओं से अब लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए हैं और जल्द से जल्द इन चोरों के ग्रुप को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। भिवंडी के रावजी नगर में मौजूद स्कूल नंबर 73 के आसपास का इलाका देखकर आपको ज़रूर अफसोस महसूस होगा, क्योंकि यहां बहुत बड़ी तादाद में कचरे का ढेर दूर तक फैला हुआ है। ये ढेर आने जाने वाले रास्ते का 80% हिस्सा कवर कर रहा है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये प्रशासन के लिए अफसोस का मकाम है कि छोटे छोटे बच्चे तालीम हासिल करने के लिए कितनी गंदगी से गुजरते हैं। आपको हमारी टॉप न्यूज़ टुडे कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे इस काम को बेहतर करने के लिए अपनी राय भी दें। अगर आप अपने इलाके की कोई न्यूज़ हमें देना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।